नोवल कोविड-19 महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए किए गए नाकेबंदी पर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन के सहयोग में लगाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेटों की बैठक एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एनेक्सी सभागार में आहूत की गई। 3 शिफ्टों में आयोजित बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने सभी मजिस्ट्रेटों से अब किए गए कार्यों की जानकारी ली, जिस पर मजिस्ट्रेट ने अब तक के अनुभव और कार्यों को साझा किया। बैठक में एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें, जिससे लॉकडाउन का सफल बनाया जा सके। हमारा काम नहीं है, वाहन का चालान कराना मजिस्ट्रेट का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। आपने और अपनी ड्यूटी पे मजिस्ट्रेट ने क्या क्या दायित्व निभाए वो बताइए। तो हम लोग तो वहाँ पुलिस के साथ रहते हैं और जो चेकिंग होती है वो करते हैं। पुलिस विभाग के अलग अधिकारी लगे हैं और आपको जिला मजिस्ट्रेट ने अलग से लगा रखा है, तो आपने अपना क्या दायित्व निभाया वो बताइए। तो वहाँ पर आपने क्या क्या काम किया था? गाड़ियों की ड्यूटी कराते हैं। कैसी गाड़ी की ड्यूटी? उनके पास पास है, हम पास रहते हैं और उनको काम वगैरह रहते हैं। के लिए एकदम बंद कर दिया गया है, केवल टू व्हीलर या जो है पैदल लोग ही आते हैं, देखते हैं कि किस पर्पज से जा रहा है, और अगर ये लगता है कि इनका कोई पर्पज वो नहीं है विशेष, तो उनको वहीं वापस कर देते हैं। या आपकी सीट है, आप इधर नहीं आ सकते और अपने जिले में ही जाएंगे। इसी तरह कुछ वहाँ पे लोग आते हैं कि हमें डॉक्टर दिखाना है, तो उसको जो हमारे यहाँ पुलिस टीम रहती है वो रहती है स्वास्थ्य टीम, उनसे कहते हैं भाई उनको देखिए और उनको बताइए इनको जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए। और अगर वो देख करके जब कहते हैं कि ये नहीं जाने लायक है तो उनको वापस कर दीजिए, तो उनको वहीं से वापस कर देते हैं। पाँच लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे स्टेट बैंक है, तो जो 500 रुपए जो उनके खाते में गया है। आपने प्रिंसिपल साहब को नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पर एम्बुलेंस में क्या चेक करेंगे, आपका डॉक्टर जब नहीं रहता है तो क्या चेक करेंगे? सर ऐसी कोई बात आई नहीं जिसे बताना जरूरी था। आई कैसे नहीं, एम्बुलेंस 30 बार नहीं होगी आपके सामने अंदर बाहर भी नहीं होगी, उस एम्बुलेंस में कौन नहीं आया, कैसा मरीज है, ये चेक नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि फर्जी आदमी जा रहा है या असली आदमी जा रहा है।